इसी के बाद दोबारा चुनाव की वो लहर शुरू हो गई है लाहौर में। जाहिर सी बात है फिलहाल आजम खान साहब नहीं है यहाँ पे हम लोगों के बीच में, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। नहीं, आजम खान भी काफी टाइम हो गया उनके कई मामलों में जेल में बंद है, मगर अभी तक पार्टी उनका साथ किस तरीके से दे रही है या किस तरीके से माने कि पार्टी उनके साथ खड़ी है? जैसे कि डेढ़ दो महीने पहले शिवपाल जी भी जनाब आजम खान साहब से मिलने रहे थे, तो उससे जाहिर हो रहा है कि पार्टी साथ में है, अखिलेश जी भी साथ में है। ऐसा नहीं है कि अकेले पार्टी के हर बड़े सब साथ में। अच्छा, टिकट को लेके कुछ लोगों का जो है वो जेल सीतापुर जेल जा रहे हैं आजम खान से मुलाकात करने के लिए, और कुछ लोग पार्टी छोड़ के वापस उनके साथ में आ रहे हैं, क्या मानती हैं इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और जितने लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बहुत खुश हूँ उस बात को सुन के और उन लोगों को देखकर और जानकर जिस तरीके से वो साथ दे रहे हैं। जिस तरीके देखा जा रहा है दीगर पार्टियां जो है महिलाओं की सम्मान की बात करती हैं, तो आप उसमें पार्टी में किस तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं? समाजवादी पार्टी में खास तौर से किस तरीके से मानती हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हर मजहब या हर जेंडर को मैं कहता हूँ की इज्जत देते हैं, चाहे वो महिला हो या कोई भी हो। तो जाहिर सी बात समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, और ऐसा नहीं है कि अगर हम देखें तो बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं समाजवादी पार्टी में और उनको बहुत इज्जत है। अच्छा, ये तवक्के भी माना जा रहा है, अंदेशा है लोगों का, कहना है कि इस बार असेंबली इंतखाबात में आजम खान जेल से चुनाव लड़ेंगे, क्या मानती हैं इसको आप? ये तो बहुत खुशी की बात है कि आजम खान साहब दोबारा इस रामपुर के इन रामपुर वालों के लिए एक ताकत में आएंगे। जाहिर सी बात है आजम खान साहब अभी के नहीं है, 40 साल पुराने सियासतदार हैं और हमेशा उन्होंने रामपुर वालों के लिए किया है और सोचा है, यही वजह है कि आज इतनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने खड़ी की। जौहर यूनिवर्सिटी एक सियासी मुद्दा बना दिया है लोगों ने, सियासियों ने, तो उसको बचाने के लिए किस तरीके से लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उसपे? आजम खान साहब ने एक तालीम को आगे कराया, एक ऐसी चीज को आगे कराया है जो रामपुर में बहुत कम थी और बहुत पीछे थे लोग। अगर जैसे हम देखेंगे नवाबों ने 8वीं क्लास तक की परमिशन दी थी सिर्फ, लोग 8वीं क्लास से ज्यादा आगे नहीं तालीम हासिल कर सकते। उस चीज को तोड़कर आजम खान साहब ने ही इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी करी है, और उनकी ये मेहनत कहूंगी मैं और मोहब्बत रामपुर में। इलेक्शन से पहले जो हालात थे समाजवादी पार्टी में, और अब इलेक्शन का वक्त करीब आते आते वक्त और ज्यादा तेजी से हो रहा है, तो उसको किस तरीके से पार्टी में मजबूती मानती है या आजम खान की ताकत को मजबूत मानती है? बेशक आजम खान साहब से रामपुर में ताकत है। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और रामपुर की सियासत लेकिन आजम खान साहब से ही है। अच्छा, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप क्या इस चुनाव के मैदान में उतरेंगी? फिलहाल मेरी दुआ ये है कि बाबा जल्द से जल्द आ जाए और जैसा उनका फैसला होगा उस पर मैं आऊंगी।